पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर वाटर पंपिंग कार्यक्रम के ऑनलाइन शुभारंभ में नूह जिले के किसान भी शामिल हुए। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री जिले के विकास को लेकर गंभीर हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के मुख्य परियोजना अधिकारी ने बताया कि नूह जिले में इस योजना का 151 किसान लाभ उठा चुके हैं। ये जो सोलर ट्यूबवेल की जो स्कीम है हमारे इलाके में इसलिए भी ज्यादा कामयाब है कि कुछ स्थानों पर जहाँ भूमिगत जल का जो स्तर है वो ज़्यादा गहरा नहीं गया है वहाँ पर बिजली पे डिपेंडेंट या डीजल पंप पे डिपेंड होने की बजाय सौर ऊर्जा से अगर किसान अपनी खेती कर सकते हैं तो ये न केवल उनके लिए लाभदायक है बल्कि ये वातावरण के लिए भी लाभदायक है। 151 किसान इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं जिन पर विभिन्न कैपेसिटीज के पंप 5 HP 7.5 HP 10 HP के लग चुके हैं और अब भी एक दिन के लिए ही पोर्टल खुला था जिसमें हमारे 11 किसानों ने अप्लाई किया है इसके लिए और भी काफी सारे हमारे किसान हैं जो कतार में हैं। लाभार्थी किसानों ने बताया कि सोलर वाटर पंप लगाने के लिए सरकार ने 75% सब्सिडी दी है जिससे उन्हें काफी लाभ हुआ है। खुश हूँ सीएम सर से बात करके और पंप के बहुत फायदे हैं। एक तो बिजली का खर्चा बच गया, दूसरा जो डीजल मैं इस्तेमाल करती थी 1000-1500 रुपये का डेली वो भी मेरी बचत हो गई। ना तो इतनी बढ़िया है जी, इसकी सिफारिश ना करी जावे। घर की खुद की बिजली बन गई, प्रदूषण इसमें नहीं, वाइब्रेशन इसमें नहीं, अपनी बिजली बन गई।